क्या होगा अगर मैं तुमको बोलूं कि माइनक्राफ्ट का पीसफुल मोड इज दी हार्डेस्ट गेम मोड। अगर तुमको माइनक्राफ्ट को बीट करना है तो तुमको जाना पड़ेगा नेदर के अंदर ताकि तुम ले सको ब्लेज रॉड्स, पर पीसफुल मोड में तो ब्लेज स्पॉन ही नहीं होगा। और माइनक्राफ्ट में अधिकतर प्लेयर्स का मानना है कि पीसफुल मोड को बीट करना इम्पॉसिबल है, पर क्या ये सच में इम्पॉसिबल है? आज हम वही ट्राई करने वाले हैं, पर उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा माइनक्राफ्ट 1.0 में। तो मैं चुका हूं माइनक्राफ्ट 1.0 में और अब हम बनाएंगे अपने लिए एक न्यू वर्ल्ड। तो बहुत ही पुराना वर्जन है माइनक्राफ्ट का, तुम लोग को पता होगा, मैं इसमें स्प्रिंट भी नहीं कर पा रहा हूं। तो वर्ल्ड में आते ही मैंने पहले अपनी सारी बेसिक चीजें करी, जैसे वुड काटना वगैरह। उसके बाद मैं गया एक केव के अंदर जहां पर मुझे एक माइन शाफ्ट दिखी। तो चलते हैं उस माइन शाफ्ट की तरफ। माइन शाफ्ट में घंटों बिताने के बाद ही मुझे वहां पर कोई चेस्ट नहीं मिला। ओके, ओ फाइनली डायमंड्स मिल चुके हैं मुझे। उन डायमंड्स से बनाया मैंने अपने डायमंड पिकैक्स और माइन करा थोड़ा बहुत ऑब्सीडियन। यस, ऑब्सीडियन से बनाया फिर मैंने अपने लेक पोर्टल। और माइनक्राफ्ट 1.0 में एक ग्लिच है जिससे तुम किसी भी माइनक्राफ्ट के आइटम को अनलिमिटेड बना सकते हो। तो मेरा डुप्लीकेशन फार्म तैयार है और अब शायद से काम करना चाहिए। 1, 2, 3 लेट्स गो। ओके, मैं अनलिमिटेड ले सकता हूँ भैया पर कुछ भी। और मुझे पता है तुम कमेंट्स में लिखने वाले हो चीटिंग चीटिंग चीटिंग, पर वेट, मैं भी सर्वाइवल के अंदर हूँ और इस माइनक्राफ्ट के वर्जन में चीट्स है ही नहीं, तो मैं डुप्लीकेट करूंगा अपने सारे आइटम्स। तो इस ग्लिच से मैंने अपने लगभग सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल मल्टीप्लाई कर लिए। और तुमको पता होगा मैं अभी भी वर्जन 1.0 में हूँ, क्योंकि माइनक्राफ्ट को बीट करने के लिए हमको चाहिए ब्लेज रॉड्स। और तुमको पता होगा कि पीसफुल मोड में कोई भी हॉस्टाइल मॉब स्पॉन नहीं होता है, पर वर्जन 1.0 में अगर तुम जाओगे नेदर के अंदर तो 0.1 सेकंड के लिए ब्लेज स्पॉन होता है। तो अगर मैं उस थोड़े से टाइम में ब्लेज को मार पाया तो मुझे मिल सकती है ब्लेज रॉड। और मुझे ये वीडियो मिली थी जिसमें बता रहा था कि कैसे हम पीसफुल मोड के अंदर ब्लेज रॉड ले सकते हैं, पर इस मेथड को करने के लिए चाहिए हमको अपने डायमंड स्वॉर्ड में शार्पनेस 4, और शार्पनेस 4 के लिए हमको चाहिए लेवल 34। और मॉब्स को मारने से तुम अपने लेवल इंक्रीज कर सकते हो इस वर्जन में, पर ज़ॉम्बीज वगैरह तो इस मोड में स्पॉन ही नहीं होते। चिकन, तो मैंने अपने दिल में हाथ रखा और मुझे जितने मॉब्स दिखे मैंने सारे मार दिए और जैसे तैसे करके मैंने कर लिया लेवल 34 अपना, बहुत ज्यादा टाइम लगाया करने में। ओके, तो मैं बहुत मेहनत के बाद पहुंच चुका हूँ लेवल 34 में और अब शायद से मुझे मिल सकता है स्ट्रेंथ 4। पर एक प्रॉब्लम अभी भी है, ये माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्जन होने के कारण इसमें तुमको एन्चेंटमेंट टेबल में दिखेगा नहीं कि तुमको कौन सा एन्चेंटमेंट मिलने वाला है, और इसमें विलेजर्स वगैरह भी नहीं जिससे तुम ट्रेड कर पाओ। तो मैं बैठ के एन्चेंटमेंट देखता रहा इस उम्मीद में कि मुझे शार्पनेस 4 फाइनली कहीं ना कहीं मिल जाए। बाय द वे, ये है शार्पनेस 4। तो लिटरली पूरा एक दिन होने के बाद भी मुझे शार्पनेस 4 नहीं मिल रही है। लेवल 34 करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था मुझे और शार्पनेस भी नहीं मिला मुझे। तो मेरी जितनी मेहनत थी 2 दिन की वो सारी बर्बाद जा चुकी है और शायद से मैं बीट नहीं कर पाऊंगा पीसफुल मोड में, क्योंकि मुझे शार्पनेस नहीं मिल रही तो ब्लेज रॉड नहीं मिल पाएंगे शायद से मुझे। पर शायद से अब एक और तरीका है। माइनक्राफ्ट का जब 8.0 वर्जन आया था तो उसमें एक चीज ऐड हुई थी, विलेजर तुम्हारे संग आई ऑफ अंडर ट्रेड कर पाएंगे। अगले अपडेट में उन्होंने रिमूव भी कर दिया ये फीचर। तो अब टाइम है अपना इतना सुंदर वर्ल्ड छोड़ के जाने का। तो जाने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं मेरा वर्ल्ड यहां पर करप्ट हो सकता है, तो जो मैंने पोर्टल से सामान लिया था मैं इंपॉर्टेंट रख लूंगा भैया पूरा भर के ताकि मेरे हक्सल के काम आ सके वो। पर थैंकफुली मेरा वर्ल्ड करप्ट नहीं हुआ और स्पॉन पॉइंट से बहुत दूर जाने के बाद मुझे मिला एक विलेज। तो फाइनली बहुत ज्यादा दूर आने के बाद मुझे मिल चुका है एक विलेज। ओके, मेरे पास आ चुका है ये क्लेरिक, यही देगा शायद से मुझे आई ऑफेंडर। और मुझे चाहिए रॉटन फ्लैश जो कि मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैं पीसफुल मूड में हूँ, और गोल्ड चाहिए होगा शायद से मुझे। लेट्स गो माइनिंग। ओके, फाइनली बहुत 1 घंटे बाद मुझे 9 गोल्ड मिल चुके हैं, मतलब मिले तो ज़्यादा हैं पर 9 मैंने मेल्ट कर लिए हैं। और तुमको पता होगा गोल्ड बहुत रेयर है तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसको माइन करने में भी, कि 9 गोल्ड चाहिए तेरे को, 8 चाहिए वैसे तो, 8 और चाहिए। चलो दोबारा माइनिंग, खैर माइनिंग करने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे पास गोल्ड बहुत ज़्यादा ला रखा हूँ मैं अपने साथ। तो पहले मुझे इस विलेजर का लेवल ऊपर करना पड़ेगा तब जाकर ट्रेड करेगा मुझे ये आई ऑफेंडर, और अब ट्रेड कर रहा है ये आई ऑफेंडर। फाइनली मेरी पहली आई ऑफेंडर आ चुकी है मेरे पास। अब मुझे शायद से 13 और चाहिए और दूसरे विलेजर से तोल भाव करने के बाद मुझे बहुत सारे एमराल्ड मिल गए। ओके, तो लगता है इस क्लैरिक की भी कोई लिमिट है देने की, ये अनलिमिटेड नहीं देता हमको कुछ भी चीज़। तो इसने मुझे दिया 7 आई ऑफेंडर और ट्रेड करना बंद कर दिया मेरे संग। थोड़ा दूर जाने के बाद मैं दोबारा वापस आया और उसने मुझे दोबारा ट्रेड करना शुरू कर दिया। ओके, मैं थोड़ा घूम के आया और यहीं पर ही वापस आ गया मैं, और मुझे दे रहा है आई ऑफेंडर। अमेजिंग दुनिया है ये। 15 आई ऑफेंडर मिल चुकी है मुझे और मैं रिस्क नहीं लूंगा एक नए वर्जन में जाने का, या फिर ले लू मैं रिस्क। तो मैं फाइनली आ चुका हूँ 1.20 के अंदर और अब अगर मेरा वर्ल्ड करप्ट होता है तो मेरी जितनी मेहनत थी वो सारी वेस्ट जाने वाली है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर, और जितना सामान है मेरे पास सारा है अपना, और अब एक ही चीज करने को, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना। और वैसे मेरे पास सिर्फ 15 आई ऑफेंडर है, अगर इनमें से कोई टूट जाती है तो मेरा बैड लक होगा और अगर ठीक रहती है तो मेरा गुड लक होगा। तो देखते हैं कि कब तक मिलता है मुझे एंड फ्रेम या फिर एंड पोर्टल, जो कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा दूर मिला।
ओके मैं आ चुका हूँ शायद से स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर, तो चलते हैं यहाँ से नीचे। अब फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, और अब मुझे ढूंढना है यहाँ पर एंड फ्रेम। उफ, तो फाइनली मैंने ढूंढ लिया यहाँ पर एंड फ्रेम, और यहाँ पर सिर्फ एक आई ऑफ एंडर लगी हुई है, तो लगाते हैं अपनी बाकी बची हुई आई ऑफ एंडर, और होपफुली आई ऑफ एंडर पूरी हो जाए। यस, एक दो तीन, यस। और लास्ट टाइम देख लेते हैं मैं पीसफुल मोड के अंदर हूँ। 1 2 3 लेट्स गो। तो मैं फाइनली आ चुका हूँ पीसफुल मोड में एंड के अंदर, और अब सिर्फ एक चीज बचती है करने को। फाइनली बहुत दिनों बाद, मतलब मेरे लिए तो दिन ही हुए, तुम्हारे कुछ मिनट होंगे, मैंने हरा दिया है एनर ड्रैगन को, वो भी पीसफुल मोड में। यस, तो शायद से हमको आज अपने सवाल का जवाब मिल चुका है, हम कर सकते हैं माइनक्राफ्ट को बीट पीसफुल मोड के अंदर भी। मैं इन सारे क्रिएटर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि इनकी वजह से ये वाला चैलेंज कंप्लीट हो पाया है। और अगर तुमको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर चैनल अगर तुम नए हो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।